अगर आपको एक वीव ऑब्जेक्ट चाहिए आपके डिक्शनरी में के सारे कीज का, तो ये पाना एक काफी आसान टास्क है। हम लोग यहाँ पे अभी ऐसी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको देती है एक वीव ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स ऑल द कीज ऑफ योर डिक्शनरी। तो इस मेथड का नाम है कीज, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग जरा फटाफट चलते हैं और इस कीज मेथड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हम लोग जरा अच्छे से समझ सके। तो आई जस्ट राइट ओवर हियर कीज मेथड, दैट्स इट, राइट। दिस मेथड रिटर्न्स अ व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी, दैट्स इट। आपकी डिक्शनरी में के जो भी कीज है वो आपको यहाँ पे देगा, राइट। मैं अभी ज्यादा बार नहीं बताऊंगा, काफी बार बता चुका हूं कि ये कीज मेथड क्या करती है वैसे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्योंकि उसी में तो हमें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल। तो हम लोग अभी सबसे पहले यहाँ पर एक डिक्शनरी तो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सैंपल डिक्शनरी बनाऊंगा, सैंपल अंडरस्कोर DICT, एंड मैं यहाँ पर कुछ सैंपल वैल्यूज रख दूंगा, जैसे यहाँ पे 1 रखूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे की के जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, राइट। मतलब ये डिजिट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 2, और ये 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू डिजिट है वो है 2, राइट। एंड देन आई विल जस्ट डू 3, ठीक है, 3, एंड आई विल गेट 3, ठीक है। अगेन ये सफिशियंट है। और यहाँ पे हम लोग जरा सारी की सारी जो कीज है वो लेने वाले हैं। अब यहाँ पे कीज कौन सी है, ये है, राइट, 1 2 3, दीज आर ऑल द कीज, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर करेंगे सैंपल अंडरस्कोर DICT, सैंपल अंडरस्कोर DICT, और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डॉट, आई जस्ट डू कीज, राइट। ये आप लोग देख सकते हो सिंपल है। तो ये आपको एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा विथ ऑल द कीज ऑफ योर डिक्शनरी, दैट्स इट। और ये हमें कहीं स्टोर करना होगा, राइट। हम लोग स्टोर ना करते हुए डायरेक्ट ना प्रिंट ही कर लेते, चलो लेट्स प्रिंट इट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को रन करना काफी ज्यादा आसान है। सिंपली यू हैव टू टाइप पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो कि है डिक्शनरी बेसिक डॉट पी वाई। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वी हैव गॉट अ व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द कीज, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपके सारे के सारे जो कीज है डिक्शनरी में के उसकी एक लिस्ट आपको एज अ व्यू ऑब्जेक्ट दी गई है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये एक लिस्ट है, राइट। यू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज एज अ व्यू ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल है ना ये। बट अब सवाल ये उठता है कि यार इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो लेट्स से कि अगर आपको लूप थ्रू करना है डिक्शनरी के, आपको डिक्शनरी में से लूप करना है एंड आपको सारी की सारी कीज की जरूरत है 1 by 1 एनी हाउ समहाउ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स इट, राइट। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। लेट्स से मैं लूप करना चाहूंगा फॉर की, क्योंकि मुझे पता है कि की मिलने वाली है 1 by 1 इन, कहां से की उठानी है, यहां से, राइट। सिंपल है। एंड देन मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट प्रिंट की, दैट्स इट, राइट। अब अगर फिर से रन करता हूं तो आप लोग देख सकते हो ये आउटपुट तो हमारा पहले का ही है, ये वाला, ये तो हमारा नया आउटपुट है, देखो 1 2 3, राइट। वी हैव गॉट कीज 1 by 1, हमें कीज मिली है 1 2 3, राइट। वी कैन गेट दीज, और एक बार की हमें मिल जाती है तो वैल्यू तो मिल जाती है, राइट। वैल्यू कैसे मिलती है, वैल्यू सपोज हम लोग डिक्शनरी का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो दे देते हैं, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं और फिर की दे देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरी की कहाँ जा रही है, मेरी की जा रही है इस की नाम के वेरिएबल में, राइट। तो एज सून एज आई डू दिस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में हमें मिल रहा है 1 और यहाँ पे 1 जो कि एक वैल्यू है, तो ये की है और ये उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, राइट। ये भी की है, ये उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, राइट। सेम विद दिस थिंग, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे इस कीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको आपके डिक्शनरी में से सारी की सारी जो कीज है वो चाहिए, राइट। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अनदर मेथड। होपफुली आपको ये मेथड जो है कीज मेथड ये समझ में आ गई होगी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूजफुल ये मेथड है, एंड आप लोग भी इसे जरूरत पड़ने पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो।